रायपुर में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी जिला कार्य समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर जिला प्रभारी खूबचंद पारख, जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, सचिवानंद उपासने, नरेंद्र नंदे साहू उपस्थित थे। वहीं बैठक में श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि सरकार किसानों के धान खरीदी के मामले में लापरवाही कर रही है। सुंदरानी ने कहा कि बैठक में आगे की रणनीति भी बनाई गई है। पार्टी रायपुर जिले की कार्य समिति की पहली बैठक होने जा रही है और इस बैठक के माध्यम से आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। जिस प्रकार से किसानों के धान खरीदी के मामले में प्रदेश की सरकार हीला हवाला कर रही, केंद्र पे आरोप लगा के बदनाम करने का काम कर रही है, क्योंकि 9000 करोड़ केंद्र ने दिए और 9000 करोड़ तक का धान खरीद लिए। अब बारदानों की बात कर रहे हैं, बारदानों के बारे में भी जून में ही केंद्र सरकार ने कह दिया था कि कोविड के कारण उत्पादन कलकत्ता में नहीं हुआ है, आप अपनी व्यवस्था कर लें, लेकिन सरकार को व्यवस्था करनी थी, राज्य सरकार विफल रही है। और जिस प्रकार से वो हर मामले में, चाहे वो 2500 रुपए देना नहीं चाहते इसलिए केंद्र पे आरोप लगाते हैं कि केंद्र 2500 रुपए देना नहीं चाहता, बोनस नहीं देना चाहता, ये इस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। अगर केंद्र को तकलीफ होती तो पिछले साल जो 2500 रुपए दिया गया वो दे देते। इन सारी मुद्दों पे हम बात करेंगे।